तो दुनिया भर में इन दिनों फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इसी बीच भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत ओमिक्रॉन मामले की संख्या में 350 को पार कर गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 20 नए मामले सामने आए थे और इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 108 पहुंच गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग पूरी नजर बनाए हुए और सख्ती बरतने के निर्देश दे रहा है। तो बढ़ते ओमिक्रॉन का मामला सिरदर्द बन गया है। 350 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। बता दें इनमें भी महाराष्ट्र वो राज्य है जहां ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। ऐसे में अब सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि ये जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि विश्व के स्तर पर विश्व इस समय चौथी सर्ज देख रहा है। इसको नहीं भूलना चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। सो द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द फोर्थ सर्ज एंड द ओवरऑल पॉजिटिविटी इज 6.1। अगर भारत में देखें तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ पिछले दो सप्ताहों से जो औसत नए केस प्रतिदिन आते हैं वो लगभग 7,000 हैं, 6,900। और अगर आप ये देखें कि 10,000 से नीचे नए केस कब से आ रहे हैं तो पिछले चार सप्ताहों से। फॉर द लास्ट फोर वीक्स इंडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग लेस देन 10,000 न्यू केसेस एवरी 24 आवर्स। 20 जिले ऐसे हैं जहां की जो पॉजिटिविटी की दर है वो 5% से ज़्यादा है लेकिन 10% से कम है। इन 20 जिलों में से 9 केरल में हैं, 8 मिजोरम में हैं, 1 सिक्किम में है, 1 मणिपुर और 1 पश्चिम बंगाल में है। उसी प्रकार से 2 जिले ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है। तो इस प्रकार 22 जिले ऐसे हैं देश में जो कि हमारे लिए चिंता का विषय हैं और इन राज्यों से जिनमें ये जिले स्थित हैं हम लगातार कंसल्टेशन में हैं, परामर्श में हैं। तो विश्व में 108 देशों में 1,51,000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 26 इसमें मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं। जो 10 देश हैं अधिकतम संख्या के आधार पर वो हैं यूके, डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और एस्टोनिया। यानी 10 देशों में मैक्सिमम जो कोविड के केसेस हैं उसमें यूके में 90,000 से ज़्यादा केसेस हैं। 2021 को ये कहा कि ओमिक्रॉन हैज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा। इसका अर्थ ये है कि जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। ये वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य कदम क्या हैं? अन्य कदम है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, आप भीड़ भाड़ से बचें, आप अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो उसको लें, यदि आपके पास लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपने को टेस्ट कराएं, आइसोलेट करें। इस प्रकार के स्टेप्स अभी भी लिए जाने होंगे वैक्सीनेशन के बाद भी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.